50 से अधिक दूल्हा दुल्हन की अनोखे रूप से निकली बारात सड़कों पर पैदल चलते नजर आए दूल्हा दुल्हन। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी के पास अनोखे रूप से दूल्हा दुल्हन की बारात देखने को मिली। यहां पर बैंड बाजे के साथ दूल्हा दुल्हन सड़कों पर पैदल चलते हुए नजर आए। यह नज़ारा देख हर कोई राह चलता व्यक्ति इनको देखने के लिए जगह पर ही खड़े हो गया और अपने मोबाइल के कैमरे में इस दृश्य को कैद किया। अब यह बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दूल्हा दुल्हन बारातियों के साथ सड़कों पर पैदल चलते हुए नजर आए। दूल्हा दुल्हन कतार में चल रहे थे, आगे आगे बैंड और बाजा बज रहा था, पीछे बारातियों के साथ दूल्हा दुल्हन चल रहे थे, जिनका सामूहिक रूप से रेणुका कृषि उपज मंडी में विवाह कराया गया। बारात में आपने दूल्हे को घोड़ी पर बैठ बारातियों को पैदल चलते हुए और डांस करते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ पर एक अनोखे रूप से बारात देखने को मिली, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन भी बारातियों के साथ सड़कों पर ही पैदल चल रहे थे। इस अनोखे रूप से निकली बारात में दूल्हा दुल्हनों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला। शाहपुर निवासी दूल्हे नारायण महाजन ने बताया कि शादी को लेकर सभी दूल्हा दुल्हनों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। अनोखे रूप से बारात निकाली गई। भले इस बारात में घोड़ी नजर नहीं आई, लेकिन सभी दूल्हा दुल्हन सड़कों पर पैदल चलते हुए नजर आए। हिंदू संस्कृति से शादी के सभी रस्में पूरी कराई गई। एक ही मंडप में सभी का विवाह संपन्न हुआ। दूल्हा दुल्हनों ने एक साथ रहने का संकल्प लिया। आज यहाँ पर भैया 50-60 लोग एक साथ बारात पहली बार देख रहा हूँ, और हम मतलब हमारी जो शादी है ना, बहुत अच्छे से एक्साइटेड है हम इतने सारे सामूहिक विवाह में शादी करने के लिए। कहीं घोड़ा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं ना भैया, घोड़ा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन पैदल बारात निकलना वो एक अनोखी परंपरा है, तो अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण महाजन। कहाँ से हो आप? शाहपुर से। और आपकी पत्नी जो होने वाली है, क्या नाम है उनका? उनका नाम हर्षाली महाजन। कहाँ से है? वो भी शाहपुर से। अच्छा लग रहा आपको? घोड़ा होना था, कहीं ना कहीं घोड़ा होड़ा। आप पैदल निकल रहे हो, क्या सामूहिक विवाह में शादी हो रही है आपकी? क्या किस तरह से बारात निकली यहाँ पर, कैसे जा रहे थे ये? पैदल थे? कोई दूल्हा घोड़े पर नजर नहीं आया? क्या नाम आपका?